नमस्कार, टीवी इंडिया 18 में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम टीवी इंडिया 18 पे दिखाते हैं आपको हर क्षेत्र, हर राज्य की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हमारे टीवी इंडिया 18 की खबरों को इसी तरह लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों से। प्रयागराज में हुई दिल दहला देने वाली वारदात, जहां नाबालिग लड़की के साथ हुई गैंगरेप की घटना। नाबालिग लड़की की हालत गंभीर, स्थानीय पुलिस ने उपचार के लिए भेजा अस्पताल। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र का मामला, मौके पर पहुंचे एसपी यमुना पार सहित कई आला अधिकारी, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। पूरी घटना कल शाम की बताई जा रही है। सबसे शर्म की बात तो यह है कि कब रुकेगी ऐसी घटनाएं, जहां एक ओर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और अपराध मुक्त प्रदेश की बात करती है योगी सरकार, वहीं अपराध के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या ऐसे ही बचेंगी हमारे समाज में बेटियां? करछना के पडोखरा में आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप हुआ। पूरा मामला करछना थाना क्षेत्र के पडोखरा में आदिवासी युवती के साथ गाँव के कई लड़कों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती को पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल भिजवा दिया। घटना मंगलवार देर शाम की है। घटना की सूचना मिलते ही एसओ करछना, सीओ एवं एसपी जमुनापार देर शाम घटनास्थल पर पहुंचे। मामला दो समुदायों के बीच का है। गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार पडोखरा गांव की एक आदिवासी परिवार की 16 वर्षीय किशोरी शाम को शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी, जिसे गांव के मुस्लिम समुदाय के 6 लड़कों ने पकड़कर बारी बारी से दुष्कर्म किया और बेहोश होने पर छोड़कर फरार हो गए। साथ में गई बहन को भी धमकाया और मौके से मारकर भगा दिया। बहन रोते हुए घर वालों से बताया तो घर वालों को पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने सबसे पहले लड़की की हालत देखकर अस्पताल भिजवाया और लड़की ने बयान में दो लोगों का नाम बताया और 4 लोगों को अंधेरा होने से पहचान नहीं सकी। घटनास्थल पर देर रात तक आला अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। लड़की के परिजनों की तरफ से नामजद तहरीर दी गई है। वहीं मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस वजह से पुलिस बल तैनात किया गया है। और खबर लिखे जाने तक मिली जानकारी के अनुसार दो आरोपियों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। बच्ची के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और मौके पर उनकी जो बच्ची थी उसकी बहन भी थी। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि पूरी घटना क्या है, बताइए। हम दोनों बहन आए थे खेत, तो वो लोग यहीं पे थे, दो लोग और लोग थे, छुपे थे, तो उसके हाथ पकड़ के खींच लगे, मुझको गाली देने लगे, कट्टा लिए थे हाथ में, मुझको बोले कि तुम जाओ ना तुझे जान से मार देंगे। तो हम रोते अपने मम्मी के पास गए, फिर मम्मी पापा हमारी आए तो उन लोग पकड़े थे, फिर कुछ लोग छोड़ा दिया, फिर अपने घर चले गए। वो लोग मतलब बच्ची को छोड़ के भाग गए? कब भागे? जब आपके माँ बाप आए थे तब भागे? हाँ, माँ बाप आए थे तब। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ऐसी वारदात यहाँ पे हुई है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस पे प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए हुआ और प्रशासन का सहयोग इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और इनका एक भी और आरोप है कि यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ग है वो आए दिन कोई न कोई इन लोगों के साथ वारदात करता रहता है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आइए हम जानते हैं कुछ ग्रामीण वालों से कि किस प्रकार मुस्लिम लोग या वो लोग इनको किस प्रकार से परेशान करते हैं, इसके बारे में आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। आप बताइए क्या घटना थी कल की और ऐसी घटना क्यों होती है? अब घटना क्यों होती है सर, ये हम लोग तो नहीं बता पाए। इन लोगों की दबंगई है यहाँ पर। ग्राम के प्रधान भी यहाँ पे साथ में मिले हुए हैं। आए दिन अभी गाय कटी थी, उसके बाद ट्रैक्टर में आग लगा दिए थे, कल ये वाला कांड हो गया। सर, मैं योगी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मामले को संज्ञान लेते हुए सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, आए दिन होती रहती है। हाँ, आप इतने लोग ग्राम सभा पूछ लीजिए कोई इनसे त्रस्त है कि नहीं है। अब आप ये ग्राम सभा सभी इकट्ठे हुए हैं, इनसे सब पूछ लीजिए आप। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका नाम? कौशलेश त्रिपाठी। चलिए, तो ये ग्रामीण के निवासी हैं और यहाँ पे आज सुबह से ही ग्रामीणों का जमावड़ा लगा हुआ है। घटनास्थल हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि घटनास्थल को दिखाने की कृपा करें। यही घटनास्थल है जहाँ पर कि कल की घटना को अंजाम दिया गया था और ये वारदात हुई थी। उसकी एक छोटी बहन से हमने अभी पूछा है, आपने देखा है सारी वारदात को, उसने बताया है। और मौके पर कल रात को एसपी यमुना पार और यशो सहित
काफ़ी फोर्स भी आई हुई थी, लेकिन बच्ची को वो अपने अंडर में लेके प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में भेज दिए हैं और उसका इलाज चल रहा है। हमारी दोनों लड़की गई थे, भी छोटी लड़की भाग के आती है, हमसे बताते हैं। कहाँ गई थी आप लड़की? वहाँ पर पहाड़ पे गई थी। कब की बात है ये? बाकियों के पकड़े थे, बाकी हमारे लगे आते हैं, बता दिए तो भैया से गए। ये हम दोनों लोग गए थे तो हम पड़ी थी, वो लोग गाय बाई खड़ी करके दारू पिए थे। हमारी दीदी घाट पकड़ के लेके गए और मुझको गाली दिए, हम भी दिए तो कट्टा लेके मुझे बोले कि तुझे जान से मार दूंगी। तो हम रोते फिर मम्मी के पास आए, फिर मम्मी पापा गए उसे पकड़े थे, फिर कुछ गाँव वाले आए छोड़ा दिए, अपने घर चले गए। इस अच्छा, जो आपके पास आए थे उनको आप पहचानती हैं? नाम जानती हैं? नाम बताइए। एक लोग का गुफरान नाम था, हाँ। एक लोग का फरजान। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? जिला जिला कहाँ पे है? पड़ोखरे में है। आप उनकी क्या लगती हैं? छोटी है। आज शाम थाना करछना क्षेत्र के पड़ोखरा गांव से एक गैंगरेप की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी को मैं फोर्स के भेजा गया था। पीड़िता को तत्काल मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया तथा साथ ही फॉरेंसिक यूनिट की भी इसमें इनको जाँच पड़ताल के लिए लगाया गया था। पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर दो व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन दोनों आरोपियों को जो ग्राम पड़ोखरा के ही रहने वाले हैं, इन्हें थाना करछना द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। बहुत जल्द इसमें हम लोग सभी साक्ष्यों को संकलन करके और जो भी हमारे परिस्थितिजनक साक्ष्य और जो भी हमारे फॉरेंसिक साक्ष्य हैं उनकी उनको एकत्रित करके इसमें चार्जशीट लगा के इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगवा करके बहुत जल्द जो दोनों आरोपी हैं इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयागराज पुलिस द्वारा प्रयास रहेगा।